तो गैस ठंड का दिन आ चुका है और हम लोग को यहाँ पे वाटर हीटर का रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो ठंड में आप लोग वाटर हीटर किस तरह से बना सकते हैं मात्र 10 रुपया में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से आप लोग 2 ब्लेड ले लीजिए। 2 ब्लेड लेने के बाद आपको यहाँ पे आइसक्रीम का जो ये डंडी आता है वो आपको ले लेना है और छोटा सा आपको यहाँ पे एक वायर ले लेना है। तो इन सारी चीजों की आपकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, 1-2 ब्लेड की, 1 लकड़ी की और इस तरह एक छोटा सा वायर का, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये जो मेरा आइसक्रीम वाला लकड़ी है इसको मुझे छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लेना है, ठीक है। आपको इसको कितना कट करना है, 4 हिस्सों में इसको आपको कट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको 2 को मिला के 1 कर लेना है इस तरह से और दूसरा इस तरह से कर लेना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ब्लेड को क्या करना है, वायर में इस तरह से मुझे इसको वायर कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको फटाफट इसको कर लेते हैं इस तरह से। और आपको थोड़ा सा इसको अच्छा से करना है और आपका जो वायर होना चाहिए वो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट इसको लाइन से जलाएंगे तो आपको यहाँ पे अच्छा थोड़ा हैवी वाला थोड़ा वायर की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, ठीक है। तो दोनों ब्लेड को आपको इस तरह से क्या करना है, वायर कर लेना अच्छी तरह से। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा लकड़ी है इसको मुझे क्या करना है, सबसे साइड में इस तरह से मुझे इसको इंसर्ट कर लेना है ताकि जो मेरा ब्लेड है वो हिले नहीं, ठीक है। दूसरा भी मुझे इस तरह से इंसर्ट कर लेना है साइड साइड में, और उसके बाद ये जो मेरा दूसरा ब्लेड है उसको मुझे इस तरह से यहाँ पे फंसा लेना है। अब दूसरा इस तरह से फंसाने के बाद मुझे जो इस साइड वाला है इसको भी मुझे अच्छे तरह से उसको फंसा लेना है। अब गैस इतना ही था, ये जो मेरा वाटर हीटर था ये मेरा यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, जस्ट मुझे एक बोर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है जहां से मुझे लाइन को ले आना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस जो मेरा वाटर हीटर है इसको हम लोग साइड में कर लेते हैं, और साइड में करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मेरा जो बोर्ड है उसको हम लोग यहाँ से ले आते हैं, ठीक है। अब इसको मुझे करने के लिए मुझे पानी की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक कटोरा में इतना हम लोग पानी ले आते हैं। अब पानी लाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो मेरा वाटर हीटर है ब्लेड वाला इसको हम लोग सबसे पहले इस तरह से पानी में इंसर्ट कर लेंगे, और उसके बाद मेरा जो दूसरा छोर है उसको हम लोग बोर्ड में डायरेक्ट लाइन दे देंगे, ठीक है। अब लाइन देने के बाद सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि मेरा जो लाइन है वहां से हम लोग स्विच को ऑन कर लेते हैं, और ऑन करने के बाद देखते हैं कि मेरा ये जो ब्लेड है वो मेरा वाटर हीटर का काम करती है या नहीं करती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड से हम लोग यहाँ पे स्विच को ऑन कर लिए हैं, और आप लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि देखिए छोटा सा यहाँ बुलबुला उठ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग यहाँ पे जैसे गौर कर रहे हैं तो ब्लेड से देखिए छोटा छोटा बुलबुला उठ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मेरा जो वाटर हीटर है ब्लेड वाला वो मेरा सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो हमको यहाँ से थोड़ा सा वेट कर लेना है, देखना है कि ये पानी को अच्छी तरह से गर्म कर पाती है या नहीं पाती है। तो हम लोग यहाँ से 1 से 2 मिनट तक रुकने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि मेरा ये जो ब्लेड वाला रूम वाटर है, वाटर हीटर है, उसमें ये जो मेरा पानी है उसको सही से गर्म कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो गैस जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो मेरा ब्लेड वाला वाटर हीटर है यहाँ से ये बुलबुला अच्छा खासा उठना शुरू हो चुका है, और मुझे लगता है कि इतना अगर बुलबुला उठ रहा है आपके वाटर हीटर से इसका मतलब ये है कि आपका पानी जो है वो अच्छी तरह से हॉट और गर्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरी तरह से ये मेरा बुलबुला उठना हो चुका है, वो पूरी तरह से ये उबलना भी शुरू हो चुका है। हम लोग देखिए थोड़ा सा क्या करते हैं, वायर को निकाल लेते हैं, और वायर को हम लोग निकालने के बाद जैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं वायर को, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना जल्दी से ये मेरा जो पानी है वो गर्म हो जा रही है। देखिए तुरंत हम डाल रहे हैं और पानी मेरा तुरंत से गर्म हो जा रही है। तो गाइस इस तरह से आप लोग भी क्या कर सकते हैं, घर बैठे आप लोग 10 रुपये में आप लोग भी इस तरह का ब्लेड वाला वाटर हीटर बना सकते हैं, और आप लोग छोटे मोटे वर्क में इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का दोस्तों और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को विजिट नहीं किए हैं तो हमारे चैनल का नाम है एनकेडी इन्फोटेक, आप लोग इस चैनल में विजिट कर सकते हैं। आप लोग को यहाँ पे नया नया रोजाना कुछ ना कुछ वीडियो नया नया देखने को मिलता रहेगा, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आपको ये वाटर हीटर कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।